15 फुट चौड़ा और 25-30 फुट लंबा है। अच्छा 15। सुबह 6 बजे लग गया, 6 बजे बस 200 कट्टा और लगा दिया तो कट्टा बह रहा दबा दबा। मैं सुदेश देख रहा हूँ झलको बीकानेर, झलको बीकानेर पर थारे सगड़ा को स्वागत है। आज मैं खड़े हूँ मोटीडी इंदिरा गांधी कनाल में। जी हाँ, की एक पहला आप न्यूज है जिसके ब्रेक कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नहर में एक कटाव आयो, जबरदस्त कटाव आयो और भी कटाव का कारण है जो आरडी 860 गोविंद नगर में अगर आप इनली जनता की बात करा तो कम है जो हजारों संख्या में लोग रेवे तो ग्रामीण लोग है जिसका आप स्तर पर मिल रहा है। कई सरकारी कर्मचारी है वे भी मिल रहा है जिसका कट्टा वगैरह लगा रहा है। नहर की कटावरी बात करूं तो बहुत ही तो खतरनाक कटाव आयो कि अगर थे देख पाओ कि कैमरा मैन ने मैं कहूंगा कि आगे आने की कोशिश करें। आज चीज बताओ है कि आज चीज है जो की इन्हें बंद करी गई पहला, यानी कि क्षत विक्षत है जिसकी स्थिति है। फिर मतलब प्रशासन अभी तक कोई दिलचस्पी नहीं, प्रशासन के यहाँ नहर के जो रेगुलेशन के एक्शन है गोविंद सिंह जी राठौड़ वो तो नहीं आए यहाँ पे अभी तक। लेकिन अभी तक ही नहीं आया, नहीं अभी तक नहीं आए हैं। और यहाँ चबनौर डिवीजन के जो अपने आगे सप्लायर के एक्शन है अपने चतुर्वेदी जी ललित जी ये यहाँ आए हैं। और नहर विभाग के ही हैं जो ये मतलब नहर के अंदर कटाव को सही कर रहे हैं, कटों से नहर विभाग के कर्मचारी हैं। कटाव की तो मोटो है कटाव ये करीबन एक्शन साहब बता रहे थे मेरे को कि ये 15 फुट चौड़ा और 25-30 फुट लंबा है। अच्छा 15-20 फुट है जो चौड़ाई में। अच्छा हे भाई साहब रात अठी है या मतलब थे देखियो कितना कहीं देखियो? मैं तो साहब सुबह आया अभी। कितो मोटो खड्डो? खड्डो तो काफी बड़ो है, वो देख लो कट्टा डाल रखे है, तरतल नीचे बैठ रहा है। अच्छा और सुबह लगातार जल्दी हूँ कोशिश में लागू है कट्टा डाले, 400-500 कट्टा डालिया, कुछ पानी में बह गया फिर भी डालने लाग रहा है। एकदम पर मिट्टी मंगवाई है, मिट्टी भी आई थी बची है। अच्छा और लागी और है कर्मचारी है टोटल है लागी और जा सारा ही। नहीं इस साइड अगर आप बात करें नहर टूट जाए तो नुकसान कितो को? इस साइड में नहर टूट जाए 860 आबादी क्षेत्र है। तो आबादी क्षेत्र पूरी तबाह हो जाए। अच्छा क्योंकि थोड़ी सी दूर में आबादी क्षेत्र है नीचे पटड़े गए, तो प्रशासन ने थोड़ा ध्यान देना चाहिए। नहर टूटे बाद में जल्दी से बने भी कोनी, नुकसान भी बहुत हुआ है जान माल को साहब। अरे वो खतरो भी है क्योंकि बिल्कुल खतरो है। तो बी टाइम थे सुबह सुबह पहुंचे या कहीं हुए? नहीं सुबह सुबह मार्केट में चाली हवा के भी यार नहर टूट गई। अच्छा। तो मौके पर आया तो बहुत लगभग 20-25 फीट गहरो खड्डो। हाँ। और कभी भी हादसा हो सकता हूँ, लगभग 500-600 कट्टा तो परसों दिया है। अच्छा। और रात 1 बजे बाद में कट्टा बह पूरा बह गया सागे। अच्छा। दोबारा रात सुबह बाद में दूसरा लगा रहा है। हाँ। तो बी टाइम का ही मंजर हुई नहर? बी टाइम तो मौके पर अगर थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता तो पूरा मार्केट बह जाता। अच्छा 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 अच्छा। इतना बड़ा कट्टा था मतलब बहुत बड़ा। आप जो की मिट्टी रो ठेस लगाए हुए है वो तो वो भी आगे की कौन है? पूरा ऊपर से बारिश हो रही थी और बहुत बड़ा खड्डा था, बहुत बड़ा हादसा होता। अच्छा। अगर मौके पे कट्टे नहीं लगाते या गांव वाले और यहाँ कर्मचारी है इसने रात से ये लेवल भी बढ़ा दिया नहर का। अच्छा वजह? वजह तो पीछे से बारिश हो रही, पानी बहुत ज्यादा है। अगर खोल सकते तो ये ब्रांच है पीछे बहुत काफी महिंदर है खोल सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं है। तो आगे आने वाला टाइम है जो थाने कहीं लगे भी पर अगर ध्यान नहीं दियोगे तो क्यों हो सके? बहुत बड़ा हादसा हो सकता है मेरे हिसाब से, लग नहीं रहेगा 4 दिन हो गए कोई प्रशासन ध्यान दे रहा है इस पे। बात करूं तो ई प्रकार है जो नहर है जो की टूट चुकी है पूरी नीचे जा रही है। तो अभी आऊं जानने की कोशिश करूंगा कि थे कदू लगे डाऊ ये परसों लगड़ा साहब कट्टा लगाया जाए 500-600 कट्टा नीचे बैठा जाए साहब तेरे नीचे बैठा जाए कट्टा एकदम। अब सुबह 6 बजे लग गया, 6 बजे बस 200 कट्टा और लगा दिया तो कट्टा बह रहा है दबा दबा। कट्टा सुबह से 6 बजे से लगा रहे हैं पूरी रात भर काशी राम मैंने सोन पन्ना राम सारे हम दीपा राम सारे हम लाग रहे हैं रात को लाग रहे हैं। बोले सुबह रात को तो कट्टा देखते नहीं है तो सुबह 6 बजे से हम कट्टा लगा रहे हैं। अब बांगर लिफ्ट खुला दी, भूटानी खुला दी, लाल चंदन खुला दिया, सब खुला दिया, बार अब करा दिया सब। कल गोविंद सिंह जी यही थे? हाँ। कल वो मोटर कोई खराब हो गया, मोटर ठीक कराने के लिए गए थे। अच्छा ब्रांच वाले अभी आ ही रहे हैं वो। नहीं तो रिस्क कितनी है थे सरकारी कर्मचारी हो थाने कोई आदेश मिले? माने तो यही आदेश है कि भाई कट्टा लगाते रहो ध्यान रखो, हम तो रात भर यहाँ बैठ करके इसको रुखाली किया। मैं हैज का सरकारी कर्मचारी है जुड़ेड़ा है, एक बार देखो कि अंदर तक हैज का जा रहा है। और एक बात बताऊं मैं भी एक सरकारी कर्मचारी है लेकिन जान खतरे में लेर एक काम कर रहा है। तो काशीराम जी है और काशीराम जी लिए एक लाइक तो भाई बने या जिंदगी तो एक ही बार मिला थे क्या खतरो ले रहे हो? तो थोड़ा हगड़ा खतरो हगड़ा डूब जी ने बनाना। नहीं सरकारी कर्मचारी हो थे और थे भी हो तो सारा मेहनत कर रहे हो रात दिन कोशिश हालन को दानी। कितना दिन हो? कितना दिन हो गया? 3 दिन हो गया। नहीं तो आपका मतलब कितना दिन कट्टा लगा सरकार तो जगी को
सरकार जागे प्रायोरिटी प्रायोरिटी चलानी हर दिन नहीं तो प्रायोरिटी जो इनली प्रायोरिटी चल गई जद फिर बात हमें अधिकारी जाने आप की कर सका मतलब इमें अपनी कोई गलती को नहीं थे थारो कर्म और धर्म दोनों निभा रहे हो हैं बजे कितने बजे तक आठ है छह बजे लेके अभी तक अच्छा सब मैं एक ही स्टाफ हूँ अच्छा थे स्टाफ में अच्छा जहाँ आप खड़े हो वहाँ नीचे देखो सुदेश जी ऑटो दसन लाग रही लाइनिंग आदमी लोगों के बाद मिट्टी बैठ गई लाइनिंग और लगातार कट्टा दे रही है लोग बाग और फिर भी लाइनिंग दसन लाग रही है पांच कर्मचारियाँ जैसे ही समाचार मिलते हैं मैं नजदीक हूँ ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आके देखूँ जितनी मेरे से मदद मिल सकती है वो मैं देने को तैयार हूँ परसों भी जैसे ही इनका कॉल आया जेसीबी की डंपर की मिट्टी की आज कट्टे भी लेके आ गया हूँ और बेस्ट पॉसिबल एफर्ट से जो हमसे हो सकते हैं इस टाइम पे वो हम करने की कोशिश करेंगे ईश्वर से उम्मीद है कि अपन इसको रोक लेंगे पानी कंट्रोल होने के बाद तुरंत इसका पक्का इलाज अपन करने के तैयार देखता रहो झलको बीकानेर क्योंकि झलको बीकानेर इसी ग्राउंड रिपोर्टिंग करे आवाज उठावे किसान रसागे खड़े हुए आम जनता रसागे खड़े हुए मैं भी अठाई हूँ राम राम नमस्कार।